लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक अपार्टमेंट में 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। ये अलाया अपार्टमेंट बताया जा रहा है और मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। अब तक 15 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला जा चुका है और 2 महिलाओं को अब से कुछ देर पहले ही मलबे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन दरअसल रात भर इसमें चला है। मलबे में 3 और लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। अपार्टमेंट निर्माण को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अलाया अपार्टमेंट को एनओसी भी जो जारी की गई है उसकी जांच भी होगी और बिल्डिंग के बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसमेंट में काम चल रहा था जिससे बिल्डिंग की जो पिलर्स हैं वो कमजोर हो गए और फिर बिल्डिंग समेदोष हो गए। और इस मामले में मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। प्राथमिकता फिलहाल यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। मेजर इंजरी वगैरह नहीं है, एक जो ट्रॉमेटिक शॉक होता है साइकोलॉजिकल वो जरूर है 3-4 लोगों में जो है, और कैजुअलिटी अभी तक कोई नहीं है। जो 3 लोग फंसे हैं उनमें रिस्पॉन्ड हो रहा है कुछ? सर रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, हो रहा है। हाँ, रिस्पॉन्ड सर। नवाजिश को हिरासत में लिया गया क्या मेरठ में? नहीं, अभी देखिए हमने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है क्योंकि अभी FIR हम लोग करेंगे। जो है हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो रेस्क्यू है, रिलीफ है। कानूनी कार्रवाई उसके बाद होगी और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।